नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से एक और खबर आपके लिए अच्छी खबर है कि आपकी तैयारी, जो एक तरह से बोला जाए कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी, जोरों शोरों से चल रहा है कहीं ना कहीं अंदर अंदर तरीके से। कि अब यहाँ पर जो आपको ये लेटर वायरल हो रहा है वो बेसिकली है क्या, वो मैं बताऊंगा, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। कभी भी जैसा एक उम्मीद बताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे कांस्टेबल के। तो उसी क्रम में ये जो आपका कई जगह से कमिश्नरेट से, जनपद पीएससी वाहिनी से, आपके कुछ फिजिकल ट्रेनर के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पद के लिए कहीं ना कहीं पोस्ट मांगी गई है कि उनके लिए इनको ट्रेंड किया जाए कि आने वाले जो 60,000, देखेंगे 60,000 लगभग यहां लिखा गया है कि 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होने की संभावित है, तथा तो भर्ती होने के उपरांत सिद्ध ही इन्हें परीक्षण केंद्र में 6 महीने का आधारभूत परीक्षण कराया जाना होगा। मतलब जब इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है तो उस ट्रेनिंग को दिलाने के लिए जो ट्रेनर होते हैं उसकी बात यहां पर पत्र में की गई है बेसिकली, कि इन्हें परीक्षण केंद्रों में 6 माह का जो परीक्षण कराया जाना होगा, उक्त रिक्त आरक्षियों के आधारभूत परीक्षण हेतु जो है वो परीक्षण कार्य के लिए काफी संख्या में आईटीआई एवं पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि अतः अनुरोध है कि प्रत्येक कमिश्नरेट, जनपद और पीएससी वाहिनी से परीक्षण कार्य के लिए आईटीआई कोर्स हेतु 10 लोग एवं पीटीआई कोर्स हेतु 2 लोग, कुल 12 लोगों को कि एक तरह से सूची उपलब्ध कराना है। कब तक उपलब्ध कराना है? 5 जुलाई तक, ताकि ये एक कोर्स है बेसिकली, इनको एक कोर्स कराया जाएगा, इंटरनली इन लोगों को कोर्स कराया जाएगा। यहां से जो कमिश्नरेट से, चाहे आपके जनपद, चाहे पीएससी वाहिनी से भेजे जाएंगे जो 12 लोग, उनको कोर्स कराया जाएगा, आईटीआई कोर्स और पीटीआई कोर्स। ये कोर्स किस पर बेसिस होगा? ये कोर्स कराया जाएगा इन लोगों को कि जो आपके सिपाही आएंगे उनको आपको कैसे ट्रेंड करना है। तो उसके लिए यहां पर अहर्ता दे दिया है, शर्त दे दिया है कि जो ये 12 लोग आएंगे उनके ऊपर क्या क्या चीजें, क्या क्या मेन होना चाहिए। कि आईटीआई कोर्स की अहर्ताएं ये है कि 1/7/2025 को अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो, और विगत 5 वर्षों में उन पर कोई भी दंड, दीर्घ दंड या लघु दंड से दंडित ना किया गया हो। तो ये आपके इंटरनल अहर्ताएं दी गई हैं। इसमें आपका 35 वर्ष मैक्सिमम मांगा है पीटीआई में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। तो इंस्ट्रक्टरों के कोर्स कराने के लिए कहीं ना कहीं कार्य आपका चल रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये आपका मांगा है कि 12 लोग हमें चाहिए जो हमारे सिपाही आएंगे 60,000 उनको ट्रेंड करने के लिए। तो ये पत्र वही है उनके लिए है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके जो कार्य हैं वो जोरों शोरों से चल रहे हैं। तो एग्जाम होने के बाद, जो आप फिजिकल होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसका भी कार्य यहां पर स्टार्ट हो चुका है। कि मतलब डिले नहीं होगा आपका, जैसे एग्जाम होगा 1-1.5 महीने बाद फिजिकल आपका करा लिया जाएगा, और फिजिकल के 1-1.5 महीने बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपको ये पीटीआई और आईटीआई आपको मिलेंगे जो आपको ट्रेंड करेंगे 6 महीने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पत्र यही बता रहा है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। मोस्ट चांसेस हैं कि आपके जुलाई लास्ट, या जुलाई तो चल ही रहा है तो चांसेस कम ही है आपका, कि अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके उम्मीद है कि ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे चलते रहिए। बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के बच्चे हैं, एसआई के बच्चे हैं, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। जिस दिन कांस्टेबल का एग्जाम डेट घोषित हो गया कि कांस्टेबल का एग्जाम डेट ये है, उसके 1-1.5 महीना के बाद आपके भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो सब कुछ इन पे डिपेंड करता है। अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो आप सितंबर तक जाएंगे लास्ट तक, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।